हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक चित्तौड़ आपको पढ़ाने जा रहा हूँ स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम क्लास 11 का लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर का एक पार्ट है। इस पार्ट को फिनिश करने के बाद हम मसल्स की एनाटॉमी के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम जो है इस बना होता है बोन्स एंड कार्टिलेजेस से। इट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ द बॉडी। मसल्स जो होते हैं सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट कर पाते हैं, लेकिन जो बॉडी मूवमेंट है इज डन विद द हेल्प ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेजेस। बोन्स एंड कार्टिलेजेस बोथ आर कनेक्टिव टिशू। दोनों ही कनेक्टिव टिशू होते हैं जो कि मसल्स और बोन्स को अटैच सकते हैं। लाइक टेंडोंस भी होते हैं, मसल्स की कैटेगरी में आते हैं, वो बाद में बात करेंगे। बोन्स बोन्स आर हार्ड ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट। बोन्स हार्ड होती हैं, हम जानते हैं, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट। एंड कार्टिलेजेस आर स्लाइटली प्लेबल ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कॉन्ड्राइटिन सॉल्ट। स्केलेटल सिस्टम में टोटल 206 बोन्स होती हैं और फ्यू कार्टिलेजेस होती हैं। स्केलेटल सिस्टम को हम डिवाइडेड करते हैं टू ग्रुप्स में। एक होता है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, सेकेंड अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में टोटल 80 बोन्स होती हैं और अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में टोटल 126 बोन्स होती हैं। नेक्स्ट, एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम एंड रिब्स। द स्कल हैज टू सेट्स ऑफ बोन, क्रेनियल एंड फेशियल। क्रेनियल बोन्स जो होती हैं वो हमारे सिर के ऊपर होती हैं, जो कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं, जो एक हार्ड कवरिंग बनाती हैं टू प्रोटेक्ट द ब्रेन फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ड्यू टू किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो ब्रेन में चोट लगने से रोकता है ये क्रेनियल बोन्स। फेशियल बोन्स हम जानते हैं चेहरे पर होती हैं, टोटल 14 बोन्स होती हैं और टोटल स्कल में 22 बोन्स होती हैं। एक यू शेप्ड हायर्ड बोन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन स्कल, हैंस विद इट टोटल 23 बोन्स। एक यू शेप्ड हायर्ड बोन प्रेजेंट होती है इन बक्कल कैविटी के पास होती है जी। इससे पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग इज अटैच्ड। उस बोन को भी संवार के दोनों को, इन तीनों को, क्रेनियल बोन, फेशियल बोन एंड हायर्ड बोन, तीनों को ऐड करके टोटल 23 बोन्स होती हैं। जे एनसीईआरटी का एनसीईआरटी में दे रखी हैं 23 बोन्स, बट देखा जाए तो हम कानों को भी संभालें तो कानों में 6 बोन्स होती हैं, तो टोटल 29 बोन्स हो गई। तो टोटल 29 बोन्स होती हैं। अब क्रेनियल बोन्स होती हैं, क्रेनियल बोन्स वो पाई जाती हैं 8। अब वो कैसे कैसे होती हैं? फ्रंटल बोन जो कि सिर के सामने वाली फ्रंटल बोन होती है, पैलेटल बोन उससे ऊपर वाली दो होती हैं, टेम्पोरल ईयर के ऊपर वाली वो होती है टेम्पोरल बोन, 2 होती हैं, ऑसिपिटल बोन जो कि पीछे पोस्टीरियर पार्ट्स को होती हैं, 1 होती है, स्फेनॉइड बोन आई के पास होती है, एंड एथमॉइड बोन वो आई के अंदर की साइड थोड़ा राइट साइड में होती है। नेक्स्ट, स्कल इज अटैच्ड टू वर्टिब्रल कॉलम विद द हेल्प ऑफ ऑसिपिटल कॉन्डाइल। हमारी वर्टिब्रल कॉलम होती है, वर्टिब्रल कॉलम की सबसे ऊपर वाली जो वर्टिब्री होती है उसको एटलस बोलते हैं। उस एटलस पर हमारा स्कल एक्यूमुलेट होता है, मतलब आर्टिकुलेट होता है, प्रेजेंट होता है, अटैच्ड होता है विद द हेल्प ऑफ ऑसिपिटल कॉन्डाइल। ये भी एक बोन होती हैं, दो बोन होती हैं ऑसिपिटल कॉन्डाइल। मीन्स हम बाद में पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट आगे लेक्चर में कि एनिमल किंगडम में ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि मैमल्स जो होते हैं वो डाइकोंडाइलिक स्कल कंटेन करते हैं। डाइकोंडाइलिक स्कल देखिए, आप देख सकते हैं ये हैं फेशियल बोन, दीज आर फेशियल बोन्स। फेशियल बोन्स आर पैलेटिन, जैगोमेटिक, वोमर, मैडिबल, मैग्जिलर, नेसल कॉर्निया, लैक्रिमल, नेसल, दीज आर टोटल 14 बोन्स। नेक्स्ट, क्रेनियल बोन्स, दीज आर एथमॉइड बोन,
स्फेनॉइड बोन, फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन, टेम्पोरल ऑसिपिटल। नेक्स्ट वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम कंसिस्ट ऑफ टोटल 26 बोन्स कॉल्ड वर्टिब्री। वर्टिब्रल कॉलम जो होती है पीछे, जिसको हम बैकबोन बोलते हैं, वो 26 वर्टिब्री होती हैं। वर्टिब्री जो होती है एक वर्टिब्रल कॉलम की यूनिट्स होती हैं, उसे बोलते हैं हम वर्टिब्री। प्रेजेंट होती है डॉर्सली, पीछे वाला सरफेस डॉर्सली होता है, आगे वाला सरफेस वेंट्रली होता है। इन वर्टिब्री के बीच में हॉलो स्पेस पाया जाता है, हॉलो स्पेस, जिससे स्पाइनल कॉर्ड पास होती है। अगर वर्टिब्री कहीं से डिसलोकेट हो जाए, देन इट सप्रेस द स्पाइनल कॉर्ड एंड रिजल्ट्स इन पेन। देन इट एक्सटेंड फ्रॉम द बेस ऑफ स्कल टू द ट्रंक। फर्स्ट वर्टिब्री इज एटलस विच आर्टिकुलेट्स द नंबर ऑफ वर्टिब्री विच आर्टिकुलेट्स सॉरी इसमें आगे कट गया है फर्स्ट वर्टिब्री इज एटलस विच आर्टिकुलेट द स्कल विच आर्टिकुलेट द स्कल। नेक्स्ट नंबर ऑफ वर्टिब्री। वर्टिब्री की भी हम रीजन में डिवाइडेड करते हैं वर्टिब्री को। ऊपर वाला रीजन होता है सर्विकल, नीचे वाला होता है थोरॉसिक, नीचे वाला होता है लंबर, सैक्रल, कॉकिगियल, सेरिब्रल, सर्विकल में 7 बोन्स प्रेजेंट होती हैं, थोरॉसिक में 12 बोन्स, लंबर में 5 बोन्स, सैक्रल में 1 बोन्स और कॉकिलिक में 1 बोन्स। सैक्रल, जिसको हम सैक्रम भी बोलते हैं, सैक्रम में जैसे 5 बोन्स प्रेजेंट होती हैं, लेकिन वो फ्यूज्ड कंडीशन में प्रेजेंट होती हैं, इसीलिए उसको हम 1 बोन मानते हैं। ऐसी कॉकिक्स में भी 4 बोन्स होती हैं, लेकिन वो फ्यूज्ड होती हैं, लेकिन इसलिए हम 1 बोन मानते हैं। और नंबर ऑफ सर्विकल बोन 7 होती हैं इन ऑल मैमल्स। नंबर ऑफ सर्विकल बोन, याद रखें, नंबर ऑफ सर्विकल वर्टिब्री इज ऑलवेज फिक्स्ड इन ऑल मैमल्स। देखिए डायग्राम दे रखा है, ये सर्विकल में 7 बोन्स होती हैं, थोरॉसिक में 12 बोन्स होती हैं, लंबर में 5 बोन्स होती हैं, सैक्रम में 5 बोन्स लेकिन फ्यूज्ड कंडीशन में होती हैं, इसीलिए 1 बोन होती है। नेक्स्ट कॉकिक्स 4 फ्यूज्ड बोन्स होती हैं, इसीलिए 1 बोन मानते हैं। स्टर्नम इज़ अ फ्लैट बोन ऑन वेंट्रल मिड लाइन ऑफ थोरॉसिक कैविटी। थोरॉसिक कैविटी होती है हमारे चेस्ट के सामने वाली मिड में, जो एक बोन्स होती है फ्लैट बोन, उससे बोलते हैं हम स्टर्नम। नेक्स्ट रिब्स। ईच रिब इज अ फ्लैट बोन कनेक्टेड डॉर्सली टू द वर्टिब्रल कॉलम एंड वेंट्रली टू द स्टर्नम। मीन्स बोन्स जो रिब्स होती हैं फ्लैट स्ट्रक्चर होती हैं, डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होती हैं, और जी वर्टिब्रल कॉलम से जो अटैच होती हैं वो भी थोरेसिक रीजन वाले से अटैच होती हैं। थोरेसिक रीजन में 12 बोन्स होती हैं, और 12 बोन्स होती हैं, और 12 पेयर ऑफ रिब्स होती हैं। तो हर एक 12 जो वर्टिब्रल कॉलम के, हर 12 वर्टिब्री से एक हर ईच पेयर ऑफ रिब इज कनेक्टेड। देन इट हैज 2 आर्टिकुलेटिंग सर्फेसिस ऑन इट्स डॉर्सल एंड कॉल्ड बायसेफेलिक बोलते हैं। फर्स्ट 7 पेयर्स ऑफ रिब्स आर कॉल्ड 2 रिब्स एंड डॉर्सली अटैच्ड टू थोरेसिक वर्टिब्री। थोरेसिक वर्टिब्री से डॉर्सली अटैच्ड होती हैं, और वेंट्रली स्टर्नम से अटैच होती हैं। 7 पेयर ऑफ रिब्स कॉल्ड 2 रिब्स, याद रखें, फर्स्ट सेवन पेयर ऑफ रिब्स कॉल्ड टू रिब्स, क्योंकि ये डॉर्सली अटैच्ड होती हैं थोरेसिक वर्टिब्री से, और वेंट्रली अटैच्ड होती हैं स्टर्नम से। 8th, 9th, 10th पेयर ऑफ डोंट अटैच टू स्टर्नम, अटैच टू सेवन्थ रिब विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। एक हाइलिन कार्टिलेज होता है जिससे 8th, 9th, 10th ये 3 पेयर ऑफ रिब्स अटैच होती हैं टू द सेवन्थ पेयर ऑफ रिब बट डू नॉट डायरेक्टली अटैच टू द स्टर्नम, सो दीज आर कॉल्ड फॉल्स बोन
और वर्टिब्रो कॉन्ड्रल बोन्स लाइक वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिप्स। लास्ट 11th 12th पेयर ऑफ रिप्स आर नॉट अटैच्ड बट रिमेन फ्री सो दे आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिप्स। लास्ट 11th और 12th वाली रिप्स होती हैं वो डॉर्सली तो अटैच्ड होती हैं वर्टिब्रल कॉलम से बट वेंट्रली डू नॉट अटैच टू द स्टर्नम और एनी पेयर ऑफ रिप्स। सो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा अपेंडिकुलर स्केलेटन बोन के बारे में। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।